व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। माय नेम इज दिशान और आ चुके हैं एक और बार आर्क सर्वाइवर मोबाइल के गेम प्ले के साथ में। और आज के वीडियो में हम टेम करने जा रहे हैंगे ब्रोंटोसोरस को, क्योंकि गाइस हमने जो है इतना लेवल अप कर लिया है कि हमारे कने ब्रोंटोसोरस की जो शेडल अनलॉक हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम एक हाई लेवल का फीमेल ब्रोंटो टेम करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, क्योंकि आगे जाके क्या पता हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का या फिर मेल भी टेम कर सकें, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो और गाइस, मैं जो है यहाँ पे एक रेक्स था जो कि ऑफलाइन पकड़ा था मैं, तो मेरे को जो अभी दो असेंडेंट की जो है यहाँ पे लॉन्ग नेक राइफल मिली हैगी। तो ये जो है 30 लेवल का गाइस, ये जो इसको मैं मस्ती मजाक में ऐसे ही नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा था और ये दो तीन डार्ट में ही जो है नॉकआउट हो गया था। तो ये जो असेंडेंट की लॉन्ग लेग राइफल है गाइस, काफ़ी अच्छी है कि टोर पर चढ़ाने के लिए। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे टेम कर लिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जो है रेक्स को टेम कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो है मैं इसको मस्ती मजाक में ही टेम कर लेता हूँ। और ये मैंने जो एक और यहाँ पे ऑफलाइन बिट के पेला गोर्नियस को टेम कराएगा। पेला गोर्नियस क्या नाम है भाई इसका, सॉरी इसका नाम सही साइड प्रनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी गाइस ये जो है काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ हैगी। ये पेला गोर्नियस जो है गाइस, ये मेरे को पॉलीमर जो देता है जो कि गिल्ली सूट बनाने काम आता है, तो वो अच्छा खासा फार्म करके देता है। इसकी सेडल खोलने अभी बाकी हैगी। इसको खोल के गाइस हम जो है यहाँ पे पॉलीमर फार्म करेंगे। तो गाइस अभी जो है चलते हैं सीधा पेटाडोन से ब्रोंटो को सर्च करने। तो अभी जो है हमारा एक पहले से पैराशूट या फिर मिशन समझ सकते हो, तो मिशन चल रहा है ब्रोंटो को टेम करने का। और उसी से मुझे आइडिया भी आया था और मुझे जो है ब्रोंटो के भी ज़रूरत भी हैगी, क्योंकि ऐसे हमारे कहना अभी तरह के कितना बड़ा डायनासोर नहीं है जो कि हमारी टीम में हैगा। बस मेमत के अलावा भी कोई भी बड़ा डायनासोर नहीं हैगा। तो मैं सोचा कि गाइस ब्रोंटो को टेम कर लेते हैं। ब्रोंटो काफ़ी काम की चीज़ हैगी। तो अभी जो हमारा यहाँ पे पैराशूट या फिर मिशन भी चल रहा है, तो हम जो यहाँ पे मिशन भी कंप्लीट कर लेंगे जिससे हमारे को एक्सपी पॉइंट मिलेंगे। जिससे तो अभी जो है यहाँ पे हमारे को लोकेशन बता रहा है, यहाँ पे सर्च का आ चुका है, यानी कि यहाँ पर जो है अभी एक ब्रोंटो घूम रहा है आसपास में। तो अभी जो है जल्दी से ब्रोंटो को देखते हैं गाइस। तो ये हमारे को एक ब्रोंटो मिल चुका है, 140 लेवल का है और फीमेल है गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस 200 लेवल तक का तो पकड़ेगा इसको, क्योंकि हम जो सूदिंग माम बिगाड़ने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ सूदिंग माम लगेगी तो फिर हम जो हैंगे एक हाई लेवल का ही टेम करें। तो गाइस चलो चलते हैंगे और देखते हैंगे कहीं हाई लेवल का मिलता है कि नहीं मिलता है। तो काफ़ी देर हो चुकी है गाइस और अभी तक मुझे एक ब्रोंटो भी और दिखाएगा, ये भी 140 लेवल का आएगा, लेकिन गाइस ये जो हैगा आपकी बार मेलेगा। तो गाइस इससे तो कुछ काम नहीं हो चलने वाला आएगा। तो हमारे को जो 200 का या फिर 170 लेवल का तो चाहिए गाइस, जो कि फीमेल होना चाहिए गाइस, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन हमारे को जो गाइस हमारे को फीमेल में तो चाहिए। तो देखते हैं गाइस मिलता कि नहीं मिलता आएगा। तो अभी जो है गाइस आपसे एक बात करनी थी मुझे, कि गाइस मैं जो है इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आर्क की, मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में और रिकॉर्डिंग करने में, और काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत भी लगती हैगी। लेकिन गाइस अगर आप लोग मेरे व्यूज़ देखोगे, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देखोगे मेरे यहाँ पे जो है 50 व्यू, 100 व्यू, 150 या फिर लगभग 200 व्यू आ रहेंगे। तो गाइस इतनी मेहनत करने के बाद बस इतने ही व्यू आते हैंगे। तो आप सभी से मेरे को बस एक गुजारिश है कि गाइस आप जो है वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि गाइस आपके अगर आर्क खेलने वाले फ्रेंड्स हो तो उनके बीच में भी वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो गाइस इतना ही कहना था। और अभी जो मुझे यहाँ पे 3 ब्रोंटो मिल चुके हैंगे, तो इसमें जो एक 90 लेवल का फीमेल है, एक 80 लेवल का मेल हैगा और एक और जो है गाइस यहाँ पे 80 लेवल की फीमेल भी हैगी। तो ये तो ज़्यादा खास लेवल के नहीं हैंगे तीन ही ब्रोंटो। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यार टाइम लगने वाला है हाई लेवल के फीमेल ब्रोंटो को ढूंढने में। तो मैं जो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो चलो मिलते हैंगे गाइस थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का ब्रोंटो मिलने के बाद में। तो मिलते हैंगे चलो गाइस सीधा वहीं पर। 2000 years later. Literally guys काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मुझे अभी तक हाई लेवल का ब्रोंटो नहीं मिला है। इधर एक और सर्च का आ चुका है, तो चेक करते गाइस इधर हाई लेवल का है कि नहीं है। सामने हैगा गाइस, ओ लो भाई साहब 170 लेवल का गाइस फीमेल, यहाँ पे हमको फाइनली ब्रोंटो मिल चुका है। और गाइस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है इसको ढूंढते ढूंढते, आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग के माध्यम से यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ मतलब थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। तो यहाँ पे आप लोग देख लो गाइस कितना अच्छा है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा रात में आपको सही दिख रहा होगा, थोड़ा सा अंधेरा नहीं लग रहा होगा। तो गाइस अभी जो मैं जल्दी से यहाँ पे इसको नॉकआउट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जो है सोच रहा हूँ पहले वहाँ पर बेड हमारा एक आसपास में ही हैगा, तो उधर पहले सो करके आ जाते हैंगे और डे कर लेते हैं, उसके बाद गाइस इसको नॉकआउट करेंगे। तो चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैंगे और मेरा जो बेड हैगा गाइस थोड़ा सा दूर हैगा, बाकी गाइस जाते हैंगे। और मुझे लग रहा है गाइस अगर ये
अगर ये ब्रोंटो डिस्पॉन हो गया ना गाइस तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको ढूंढने में, और अगर ये ऐसे डिस्पॉन हो जाएगा तो गाइस काफ़ी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो कोई बात नहीं गाइस, रिस्क लेते हैंगे और चलते हैंगे यहाँ पे बेड के कने और जल्दी से डे करके आते हैंगे। तो गाइस डे भी हो चुका हैगा और मैं वापस आ चुका था और ब्रोंटो हमारा डिस्पॉन नहीं हुआ था, काफ़ी अच्छी बात हैगी। तो अभी जो है गाइस हम इसको यहाँ पे डार्ट मार रहे हैं, असेंडेड रोंग लेक नहीं भाई, लॉन्ग राइफल बोल सकते गाइस इसको, रोंग लेक राइफल जो हैगी, इससे जो है गाइस हम इसको नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही बार में जो है गाइस 1000 का तो गाइस स्टोर पर चढ़ाती हैगी, तो मतलब ये जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगी और हमारे को ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाली है इसको नॉकआउट करने में, तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। थोड़ा सा वीडियो को गाइस स्किप नहीं थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो इसको जल्दी से नॉकआउट करते हैंगे और देखते हैं गाइस कितने डार्ट में नॉक होता आएगा। तो गाइस अभी जो मेरे का 9 डार्ट हैंगे और इसका जो टॉर्पर गाइस मेरे हिसाब से गाइस 14,000 का तो गाइस इसका टॉर्पर होगा, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ब्रोंटो आएगा, ये फीमेल हैगा। तो इसको जो है गाइस और थोड़े बहुत जो हमारे गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डार्ट हैंगे मिस भी हो रहेंगे, तो गाइस हमको लग नहीं रहा कि 9 डार्ट में होएगा यहाँ पे टेम। तो जैसा कि मुझे लगा था गाइस यहाँ पे बस एक ही डार्ट बचा है और उसमें भी ये गाइस इसका थोड़ा सा टॉर्पर रह चुका है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम ट्रैंकुलाइजर एरो बनाते हैंगे और हमारे जो क्रॉसबो हैगा इस क्रॉसबो से गाइस इसको नॉकआउट करने की कोशिश करते हैंगे। लेकिन गाइस ये जो था ब्रोंटो हमारा ये वहाँ पर चला गया था जो कौन सा बायोम हैगा, ये तो इस बायोम में चला गया था और इधर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डायनोज रहते हैं और कापराचुसस जो भी है इसका नाम, तो ये जो है गाइस प्रॉब्लम कर सकता है, इसको मार सकता है और हमारे पे भी अटैक कर सकता है। इसलिए जो है गाइस इसको थोड़ा सा हम आउटसाइड में लाएंगे और इसको जो इधर लाने के बाद हम नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी भागने लग रहा है, तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट हैगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली हैगी। तो यहाँ पे इधर आ चुका है, तो हमने बस इसको 5 से 6 डार्ट नहीं यहाँ पे हमने ये ट्रैंकुलाइजर एरो मारा और ये फाइनली गाइस हमने जो इसको नॉक कर लिया है। और अभी जो है मैं इसको जल्दी से 3 नार्कोटिक डाल देता हूँ, तो अभी 3 नार्कोटिक खिला दिए गाइस और 170 लेवल का फीमेल हैगा, लेकिन हमको 85 जो है गाइस इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेवल मिलने वाले हैंगे। तो गाइस अभी जो है हम इसके लिए सुदिंग बाल में भी लेके आए थे और यहाँ पे थोड़ा सा और एरो बना लेते हैंगे, कभी कोई अटैक करता है तो उसको नॉकआउट कर देंगे। तो अभी जो है गाइस वीडियो थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा वापस से, और मतलब स्किप तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर देंगे और एक नाइट और एक डे यानी कि पूरे इसमें जो एक दिन और एक रात रहती हैगी रियल लाइफ में नहीं गाइस, एक दिन और एक रात जो इस गेम के अंदर रहेगा वो हमारे को स्पीड से जो है स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इसका जो है फूड बार बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी जो है मैं मेरा यहाँ पे फास्ट फ्लायर को रख के आ चुका हूँ और हमारा जो फेल्कन हैगा इसको लेके आ चुका हूँ। तो अभी जो थोड़ा फास्ट कर देते वीडियो और एक नाइट और एक डे निकालते हैं जल्दी से। तो चलो थोड़ा सा फास्ट कर देते वीडियो को, तो देखते हैं गाइस ये जिसका टॉर्पर और फूड कितना कम होता है, तो चलो जल्दी से फास्ट कर देते हैंगे। लिटरली गाइस आप लोगों को 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा समय लगा होगा एक नाइट और एक डे को स्किप होते हुए देखते हुए, लेकिन गाइस मेरी जो है काफ़ी ज़्यादा हवा टाइट हो चुकी है गाइस, क्योंकि 2 घंटे से भी ऊपर हो चुका है गाइस इसको अभी तक हमने टेम नहीं कराएगा। तो अभी जो है गाइस अभी हमें सोच रहा हूँ कि इसका 1000 भी अगर फुटबॉल लो हो जाता है तो इसको सुदिंग बाम डाल देते हैंगे और इसको जल्दी से टेम कर लेते हैंगे। तो यहाँ पे जो है सुदिंग बाम जल्दी से इसके अंदर डालता हूँ और चेक करते गाइस इसका फूड बार और देखते हैंगे कितना इसका फूड बार डाउन हुआ है। तो अभी देखते हैंगे गाइस इसका टॉर पर यहाँ पे फूड बार जो है गाइस यहाँ पे 5000 गाइस कम हो चुका है गाइस, काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो 1000 का सोच रहा था, लेकिन गाइस एक नाइट और एक डे हमने जो यहाँ पे स्किप कराएगा,
तो हमारे को जो है यहाँ पर 5000 का जो इसका फूड बार कम हो चुका है। तो गाइस काफ़ी अच्छी बात है कि जल्दी से इसको सुदिंग बाम खिलाते हैंगे और जल्दी से इसके अंदर जो है यहाँ पर पोटैटो और भुट्टे यानी हमारे लॉन्ग ग्रास और ये जो रहता है सिट्रोनोल, अबे सिट्रोनोल जाने क्या नाम है भाई इसका, सिट्रोनोल डालते हैंगे और इसको टेम करते हैंगे। तो गैस अगर 1000 भी कम होता ना गैस तो ये टेम नहीं हो पाता, क्योंकि गैस आप लोग यहाँ पर देखते हो हमने सूदिंग वाम डाली है, उसके बाद भी गैस ये दो दो तीन तीन परसेंट इसका मतलब दो दो तीन तीन परसेंट एक बार में जो बढ़ा रहा है सूदिंग वाम खिलाने के बाद भी गैस। तो सोच लो अगर सूदिंग वाम नहीं डालता तो ये कितनी टाइम लगाता गैस। तो यहाँ पर जो है गैस इसको दो दो तीन तीन परसेंट से बढ़ रहा है, 40% हो चुका गैस और 42% हो चुका है। देखते हैं गाइस कितनी देर में टेम होता है यहाँ पे। अभी जो है यहाँ पे इसका सिर्फ 1000 ही जो है बढ़ा है और ये 50% हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो गाइस ये 370 फूड पे जो है इससे टेम हो जाएगा। तो अभी तो गाइस ये 75% हो चुका है, सॉरी गाइस यहाँ पे 69 हो चुका है 69। तो अभी जो गाइस 75% हो चुका है और अभी 80% हो चुका है गाइस, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। लेकिन गाइस इसका फूड बार कम है ना इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन गाइस दो दो तीन तीन परसेंट से बढ़ रहा है ये। तो 90% हो चुका है गाइस, बहुत अच्छी बात है। 92, 94, ओ भाई 96, 98, ओ भाई साहब बकचोदी मत कर लोड़े। फाइनली गाइस तुम्हारे भाई ने ब्रोंटो को टेम कर लिया, वो भी एक हाई लेवल का गाइस, 242 लेवल का गाइस। हमने ब्रांचोसोरस, ब्रांचो नहीं बोलते इसको, ब्रोंटोसोरस हमने टाइम कर लिया है गाइस। और भाई एक ही पूछ अंडी में गाइस इनने कापरा सूचस का कापरा चूचस चूचस बना दिया। तो गाइस अभी जब हमने ब्रोंटो का टाइम कर लिया उसकी पूछ गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहती हैगी। मैं जो है गाइस वीडियो को मतलब थोड़ा सा कट कर रहा था, लेकिन गाइस मुझे जो है इस ब्रोंटो ने एक बार टपका भी दिया था सही बात बोलूँ तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया था, क्योंकि गाइस वो बताता तो गाइस आप ये सोचते कि ये बंदा बूढ़ा आएगा तो आप लोग वीडियो देखते नहीं, इसलिए जो है गाइस मैंने वो पार्ट काट दिया था। बाकी इन्हें मेरे को एक पुछंडी में गाइस एक ही बार में इन्हें मार दिया था, क्योंकि गाइस मेरा जो आर्मर है गाइस बहुत ज़्यादा डैमेज था। तो अभी जो है गाइस हमने इसको टेम कर लिया, चलो घर पे चलते सीधा। तो गाइस मैं घर पर भी आ चुका हूं और हमने जो ब्रोंटोसोरस है हमारा ब्रोंटोसोरस इसको हमने टेलीपोर्ट कर दिया है। तो अभी जो है गाइस आप लोग इसका कमाल देखो गाइस, पुछंडी से एक ही बार में भाई सारी चीज़ें तोड़ रहा है आसपास की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डायनासोर है। तो एक और बार गाइस अभी जो है मतलब एक और बार नहीं, यहाँ पे एक अच्छा सा फोटो आपको दिखाता व्यू। तो थोड़ा सा इसकी मुंडी के ऊपर चढ़ते हैंगे, इसकी गर्दन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और पुछंडी भी, बाकी शरीर बहुत ज़्यादा लंबा रहता है गाइस इसका। तो अभी जो है गाइस मैं कैमरा मोड जो रहता है, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो वो वाला मोड जो है फोटोग्राफी मोड, सॉरी हाँ फोटोग्राफी मोड जो है गाइस, इससे आप लोगों को दिखाने वाला एक अच्छा सा लुक। तो आप लोग यहाँ पर देख लो गाइस इसके सर पर हम चढ़े हुए हैंगे खड़े हुए हैंगे। तो अभी जो है यहाँ पे आप लोग देख लो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ब्रोंटोसोरस। तो गाइस आप लोग जो है कमेंट में इसके लिए एक नाम अच्छा सा सजेस्ट करना। होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल। और गाइस आपसे बस वो जो मैंने बोला था कि वीडियो को शेयर कर देना, तो वो भी जो है गाइस कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, पीस आउट।